को बताता हूँ। देखिए मुझे मेरे पास पीसीबी की तरफ से टिकट्स आए, ठीक है, ये टिकट्स देख के मुझे पीसीबी की तरफ से टिकट्स आए हैं। अच्छा, ये देख के मुझे इतना गुस्सा आया है। अब मुझे बताएं, ये एज अ टेस्ट प्लेयर पीसीबी ने हमें टिकट्स भेजे, ठीक है, हनीफ मोहम्मद के टिकट भेज दिए, हजार हजार रुपए वाले टिकट भेजे, एक दिन के तीन वनडे, एक दिन के चार टिकट्स भेजे, ये 12 टिकट्स हैं। मुझे ये बताएं, एज अ टेस्ट क्रिकेटर हमें टिकट्स भेजे जा रहे हैं, तो क्या हमें चेयरमैन बॉक्स के नहीं भेजने चाहिए? हमें क्या वीवीआईपी के टिकट्स नहीं भेजने चाहिए? ये हजार हजार के टिकट्स, क्या हम भिखारी हैं? हम कौन है? अपने माइंडसेट को चेंज करो। यही हजार हजार के टिकट्स जावेद मियांदाद को भेजोगे? यही हजार वाले टिकट शाहिद अफरीदी को भेजोगे? यही हजार वाले ज़हीर अब्बास को भेजोगे? मतलब हम कौन है? ऐसे हजार वाले टिकटों को ना, बात सुनो भाई, बाजी में क्या, बाजी में बाजी भेजते हैं। ये हजार वाले टिकट है ना, इसको मैं यूं देख रहे, ये टिकट्स हैं, यूं इसको फाड़ के ना मैं यूं फेंकता हूं इन हजार हजार टिकट को, और ये 12 टिकट बनते हैं। अगर पैसे भी लेने तो 12,000 रुपए मेरे जेब में पड़े हुए, ये मैं आप लोगों के हाथ में देता हूँ, ये 12,000 रुपए, ठीक है, हमने पाकिस्तान को सर्व किया है। अगर टिकट्स बेचते हैं, हर मैच में बेचते हैं, आपको भेजने चाहिए। अगर नहीं भेजने तो भाई मत भेजा करो, और भेजने हैं तो भाई तरीके के टिकट्स जो है ना वो हमें भेजा करो। हम भीख मंगे, हम ये पागल वागल नहीं है। अगर टिकट्स बेचते, आम बंदों को क्यों नहीं टिकट बेचते फ्री में? हमें किसी वजह से भी भेजते हैं ना, क्योंकि हमने सर्व किया। भाई आपका ये काम है, नजम शेट्टी साहब, आप अपने लोगों को देखो कि किनको ये टिकट्स भेज रहे, किनको नहीं भेज रहे। नेशनल स्टेडियम के अंदर तो वैसे भी लोग नहीं थे, अगर लोग हो भी चले, हमें टिकट्स आपको तरीके के भेजने चाहिए, उसके बाद हम आए हैं या नहीं आए। आपकी बात कंप्लीट होगी और मैं इसको एंडोर्स करता हूं। ये अगर पैसे देने हैं, ये पैसे भिजवा देता हूं मैं, 12,000 रुपए भिजवा देता हूं आप लोगों को। क्रिकेटर्स को आप रिस्पेक्ट दें और उनको वो एलिमेंट रखें जिससे उनको ये चीज ना बोलनी पड़े। क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए यार। मैं आपको चीज बताता हूँ, ये समझते हैं जो कम खेले हुए हैं वो भीख मांगने वाले लोग होते हैं। मुझे बहुत शुक्रिया तनवीर आपका, और उम्मीद है कि पीसीबी। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप लोग तनवीर को तो जानते ही होंगे यार, ये पाकिस्तान के बॉलर हैं, और इन्होंने यार हर क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। बट यार आप लोग देख सकते हैं भिखारपना का लेवल देखो आप लोग। इंडिया में जो बंदा एक बार इंडियन क्रिकेट खेल लेता है तो फिर उसको वीआईपी मैचेस के पास फ्री में मिलते हैं बीसीसीआई की तरफ से। बट भिखारिस्तान में मतलब हद पार कर दी। वो जो शादी में कुर्सियों पर बैठते हैं, हज़ार रुपये की टिकट भिजवा दी भाई तनवीर के पास, तो तनवीर भाई लाइव न्यूज़ चैनल पर भड़क उठे। आप लोगों ने देखा होगा। तो यार आजकल पाकिस्तान की कंडीशन ही कुछ ऐसी है कि यार वीआईपी और कौन है भिखारी है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे भिखारपना का पता चलता है कि ये लोग किस लेवल के भिखारी बन चुके हैं, कि जो वीवीआईपी बंदे जैसे तनवीर यार काफी रिस्पेक्टेड बंदे, मैं देखता हूँ कि न्यूज वगैरह भी ये लोग आते रहते हैं, इनको तो एटलीस्ट वीआईपी पास मिलना चाहिए था, एटलीस्ट एसी रूम में तो बैठने का मौका मिलना चाहिए था। बट इनको भी कहा कि भाई 200 वाली टिकट पहुंचो, इंडिया के लिए तो वो 1000 रुपए 200 के बराबर है, तो इनको बोला कि ये लो तुम 200 वाली टिकट लो, और या लोगों के साथ धूप में बैठो, और पानी वानी की व्यवस्था भी नहीं होगी तुम्हारे लिए। मतलब इतनी घटिया व्यवस्था तनवीर के लिए, 500,000 की टिकट भेज दी भाई, बस शर्म करनी चाहिए। ये कहना चाहता हूं, फेवरेट इज है मैं यहां पर, अगर अगर वो लॉट ऑफ वर्क करके आ गया है पाकिस्तान में, ये चीज नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखो हमारे कोई प्लेयर है वो टीम में एंटर होने की जगह बनाता है, दो दफा 50 मारेगा, हम भी नारे लगाते हैं छा गया बाबर छा गया। ये यार मैं तो यही कहूंगा, देखो ऑस्ट्रेलिया आई थी पाकिस्तान, ठीक है, उन्होंने रज के धोया पाकिस्तान को, ठीक है, और देखो वो इंडिया के साथ खेलने की इंडिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वालों ने उनकी धुलाई कर दिया, ठीक है, ये एक थी पाकिस्तान में, हमने उन्हें इज्जत बख्शी है कि आप जीत के जाओ ताकि वो अगेन आ सके, हरा हम भी सकते थे। ये डिपेंड करता है मेंटेलिटी पे कि हमारा, हम उसे बुला रहे हैं, हम बुला रहे हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट आजाद हो गई है, वो ये नहीं है चीज, है ना, ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपनी क्रिकेट को फरोग दें। जो लेवल देखो आप किसी भी मुल्क से या किसी भी टीम से खेलते हैं तो दोनों तरफा मुआहदे होने चाहिए, ना कि आप ये को पाकिस्तान के यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, ठीक है, और वो हम उनसे हार जाएंगे यार, टीम जाएंगी काफ़ी, नो यार इंडिया है वो देखो हराती भी है हारती भी है, हारना जीतना एक गेम का पार्ट है, ठीक है, लेकिन वो एक रूल के मुताबिक चलती है। पाकिस्तान के पास कोई रूल नहीं, सिर्फ हारना क्या होता है, जो हारते ही जाना उसे क्या कहते हैं, उसे हारते ही जाना कहते हैं पर्ची एंड पैसा। बैट्समैन सिर्फ वो ही थे जो पुराने थे, हाँ, अब जो नए आ रहे हैं वो बस खाना पूरी करने आ रहे हैं, टुल्लड़ चक्के वाले टुल्लड़ हैं, ठीक है, और वो टिकट पे आ रहे हैं, मैक्सिमम ये हो रहा है। वहाँ पर एक प्रोसीजर होता है, उसको अंडर 19 खिलाते हैं ये वो। पाकिस्तान में ये चीज़ें आप देख लो, आपके होश उड़ जाएं। अंडर 19 का जो गरीब का बच्चा वो मेहनत करता रहता है, वो उसे ऊपर आना ही नहीं देता कोई। अच्छा प्लेयर होगा, ठीक है, लेकिन जो पर्ची है वो सबसे पहले,
बस यही डिफरेंस है, इस वजह से हम बहुत पीछे हैं उनसे। वो देख रहे हैं जो इसने इनिंग दी है, इससे देख के ही लग रहा है हमें भाईजान इंडिया गोट ऑफ क्रिकेट बन चुका है, वो माई बाप बन चुका है, उसने अब पीछे नहीं हटना। बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर वो याद कर रहा है, पुराने प्लेयर उनके वो सुलझते जा रहे हैं, नए प्लेयर भी आते जा रहे हैं, यहाँ पर हमें कोई देखने को नहीं मिलता। एक ही फोकस है साडा शाहीन, बहुत अच्छी बॉलिंग करता वो भाई, तुसी ओदो तीनों फॉर्मेट जे खिलाओगे उन्हें इंजर्ड ही होना। आमिर रो रो पिट गया कि तुहाडे तीन बॉलर ने ठीक है, तुसी तीनों फॉर्मेट दे खिलाओगे ਤੁਹਾਡਾ ਬਚੇਗਾ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਟਾਂਗ ਦੇ ਦਰਦ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਛਣਗਣਾ ਵਜਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਢੋਲ ਵਜਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਜਬ ਉਹ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਹੈ, और वहाँ पे उनके पास माशाल्लाह इतनी क्लास के बैट्समैन हैं। आप देख लें विराट कोहली जिस तरह आप कह रहे हैं 25,000 रन्स मुकम्मल किए हैं, तो ही इज़ अ क्लास बैट्समैन और ही डिज़र्व इट। कि आप देखें इंडिया में अगर तेंदुलकर के बाद बात की जाए तो विराट कोहली का ही नाम आता है, और तीनों फॉर्मेट में जिस तरह वो शुरू से लेके अब तक खेल रहा है, होता है बीच में मतलब एक डाउनफॉल आ जाता है, अभी भी वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी देखें तो इतना बड़ा माइलस्टोन उसने अचीव किया कि 25,000 रन्स करना तीनों फॉर्मेट में, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। देखें यार, ये दुनिया ना कैपिटलिस्ट दुनिया है, ठीक है, जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है। अब देखें IPL है दुनिया में, अब IPL सबसे बड़ी फ्रेंचाइज लीग है, या आप इंडिया देख लें बहुत बड़ी मार्केट है, और आप वहाँ पर एक छोटा सा भी मैच करा देते हैं तो वहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। अब साफ जाहिर है जिसका बोर्ड जितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर रहा है वो बहुत ज़्यादा उनके स्पॉन्सर इन्वॉल्व हैं, तो साफ जाहिर है उनका डोमिनेट तो वो करेगा ना, वो चाहे पॉलिटिक्स की बात कर लें चाहे स्पोर्ट्स की बात कर लें, दुनिया में आपका जो है ना वो बिकता है, आपकी हर चीज़ बिकती है, आपके पास अगर पैसा है, आपके पास अगर आपके वसाइल हैं रिसोर्सेज हैं, तो उनका बोर्ड अमीर है, उनका एक प्लेयर जो है वो 18 करोड़ में बिक रहा है आज, 24 करोड़ में रख के राहुल सोल्ड हुआ। हाँ, तो देखें ना आप 24 करोड़ में आपकी पूरे PSL की पूरी फ्रेंचाइज बन जाती है, पूरी फ्रेंचाइज होती है, और उनका एक खिलाड़ी 24 करोड़ का जी सर, ऐसे ही है ना। BPL भी थी, अच्छी थी, लेकिन पाकिस्तान उसको उसके बाद IPL के बाद वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग आ गई है, BPL भी नीचे रह गया, अब उनकी इंडिया की जो वुमेन प्रीमियर लीग है उसने BPL को बीट कर दिया। वही बात तो वहीं पे आ जाती है ना यार, पैसे पे आ जाती है। आप आपके पास पैसा है, आपके पास आपको चीज़ बेचने का हुनर है, आपके पास मार्केट है, आपके पास लोग हैं, आपके पास आपका बोर्ड के पास पैसा है, तो आप हर चीज़ उसको रोमेंटिसाइज कर सकते हो, उसको बेच सकते हो, पूरी दुनिया में शो कर सकते हो, तो आपका नाम बनेगा। अब आप कहते हैं कि इंडिया जो है ना वो डोमिनेट करता है पूरे हर बोर्ड्स को, पूरे क्रिकेट को, ICC को, तो वो साफ जाहिर करेगा ना यार, उसका इतना पैसा इन्वॉल्व है उसमें। अब इंडिया अगर अपना इंडिया को आप निकाल दें तो इतना पैसा पूरे सब बोर्ड्स मिला के नहीं इकट्ठा कर सकते जितना इंडिया कर रहा है, समझ आ रही ना। जिसका पैसा है, जिसका पास रिसोर्सेज हैं, तो वो साफ़ डोमिनेट तो करेगा। वो अगर वो पाकिस्तान नहीं आ रहा तो इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न यही है, कोई पॉलिटिकल रीज़न नहीं है, समझ आ रही है। हमारा बोर्ड गरीब है इसलिए, साफ जाहिर है उनके पास वो, अगर वो ICC को टक्कर दे के ये कह रहे हैं कि आप अगर ICC जो इवेंट पाकिस्तान में रख रहा है एशिया कप, हम नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएंगे भाई, नहीं जाएंगे। उनके पास ये पावर है, उनके पास वो कर सकते हैं बात। यदि यार एटलीस्ट इतना बड़ा तो भिखारपना मत मचाओ कि जो VIP बंदे हैं उनके लिए भी तुमने यार गर्दा मचा दिया, मतलब बैठो लोगों के साथ, वैसे लोग आते नहीं है तो वो कुर्सियां खाली थी, तो इसलिए तनवीर को सस्ती टिकट मार दी भाई। खैर, तो आप लोगों को पता ही है यार कि भिखारिस्तान का लेवल क्या है यार, यहाँ के लोग आटा चावल के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इनके मतलब कोई कंट्री इनको रिस्पेक्ट नहीं देती भाई। ये समझ लो कि इवन दो जो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं जो पहले इनके साथ देते थे लोन वन टाइम पे पहुंचा देते थे, वो भी इनका साथ नहीं दे रहे, मतलब इस लेवल के भिखारी बन चुके हैं ये लोग। तो आप लोग सोच सकते हैं जब यार VIP लोगों को ये ट्रीटमेंट मिल रही है कि भाई शादी वाली कुर्सी पे जाओ, 200 की टिकट लेके बैठो, यहाँ पे तो भाई थोड़ा सा भी VIP बंदे होते तो पूरा AC वाले रूम में बिठा देते हैं, ऐसी व्यवस्था बना देते हैं। बट यार भिखारिस्तान से हम उम्मीद भी यही कर सकते हैं, जहाँ के लोग आटा चावल की लाइन में लगे हों, सिर्फ उनका लक्ष्य हो कि आज सिर्फ पेट भर जाए हमारा, कल देखेंगे, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है भाई भिखारिस्तान में। तो फिर जब ऐसी सिचुएशन आ गई है तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि भाई तनवीर जैसे रिस्पेक्टेड बंदों को भी टिकट नहीं मिलनी VIP मैचेस देखने की। तो खैर यार, ये भिखारिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, और आप लोग को बता ही दिया भाई, इनका रिस्पेक्ट कोई कंट्री नहीं करती, मुस्लिम कंट्रीज भी इनके मुंह पे चाटा मारते हैं, और UAE सऊदी अरेबिया भाई कब तक साथ देगा कोई? आप लोग ही सोचो यार कि कब तक कोई साथ दे सकता है ऐसे भिखारी लोगों का भाई, जब तक ये लोग भीख मांगना नहीं सीखेंगे, और यार जब तक तुम अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जो इतने VIP बंदे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो फिर हो गया भाई, भिखारिस्तान नाम का देश एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अब कल ही खत्म हो जाएगा भिखारिस्तान, लेकिन हाँ
आने वाले 5-6 साल में धीरे धीरे करके इनका नामो निशान मिट जाएगा। जब ऐसे रिस्पेक्टेड बंदे भी गाली बकेंगे अपने ही देश को तो कुछ नहीं हो सकता इनका। खैर आप लोग जुड़े रहे क्रिकेट तक पर ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।